On the last year, my best friend, just an ex-friend, could have been an ex. Hit me on the Snapchat, could have been a text. Say she love the new song, she a free the flex. Done already, send me there in a relationship. Next thing you know, send me a video. Assalamu alaikum. ये है Infinix Note 30 Pro. आप में से ज़्यादातर लोग इस फ़ोन को ऑलरेडी खरीद चुके होंगे और शायद कुछ लोग इसको खरीदने का सोच रहे होंगे. फाइनली ये मेरे पास आ चुका है अनबॉक्सिंग के लिए. और भाई ये वीडियो नॉर्मल अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं होने वाली. इसको हर लिहाज से टेस्ट करेंगे. इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी बैटरी की चार्जिंग की स्पीड क्या है और इस मोबाइल फ़ोन का कैमरा कैसा है, ये सारी चीज़ें डिटेल में इसी वीडियो के अंदर आपको पता चलेंगी. इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ इस फ़ोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अहम डिटेल्स. ये है जी Infinix Note 30 Pro का बॉक्स. और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन के अंदर है और वायरलेस चार्जिंग का स्टिकर भी यहाँ पर दिया गया है. 256 GB की स्टोरेज है, 16 GB की रैम है, 8 GB की एक्चुअल रैम है, 8 GB तक एक्सपेंडेबल है. इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं फ़ोन की लुक कैसी है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें मिल रही हैं. बॉक्स के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी जो कि वायरलेस चार्जर है, वो भी हमें इस फ़ोन के साथ मिलने वाला है. इसको भी ओपन करके देखते हैं. पहले मोबाइल फ़ोन को देख लेते हैं भाई और डब्बे में डब्बा इस डब्बे को करते हैं साइड में. मेन बॉक्स की तरफ वापस आते हैं. इसको मैं लिफ्ट करके मोबाइल फ़ोन को निकाल के ऑन कर लेता हूँ. बॉक्स में भाई एक सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है, सरप्राइजिंगली एक टेम्पर्ड ग्लास मिल रहा है आपको और इसकी एप्लीकेशन किट भी बिल्कुल फ्री में मिल रही है. कोई भी ब्रांड आजकल ऐसा नहीं कर रहा और कोई कॉस्ट कटिंग कर रहा है भाई. आपको बॉक्स के अंदर एक केस भी मिल रहा है जो कि हार्ड शेल प्लास्टिक वाला केस है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है. और इसके ऊपर यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का साइन भी मेंशन किया गया है. उसके बाद बॉक्स में आपको एक 68 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है भाई और साथ एक टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिल रही है. ये है जी Infinix Note 30 Pro. भाई यहाँ पर भी सारी स्पेसिफिकेशंस वही मेंशन की गई हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं. मोबाइल फोन को मैंने ऑन कर लिया है, इसको जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ. इस फोन का जो डिजाइन है भाई वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी प्रीमियम है, बल्कि कैमरा मॉड्यूल मेटेलिक शेप में काफी ज्यादा अग्रेसिव लुक इस फोन को दे देता है. फ्लैट साइड्स हैं, फ्लैट बैक है और इन हैंड फील भी प्रीमियम आती है. फ़ोन का वेट भी ज़्यादा हैवी नहीं लगता, एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन वाला लाइट वेट स्मार्टफोन फील होता है. खासतौर पर इसका ये जो ग्रेडियंट है बैक साइड पे, ये इसको बहुत बेहतरीन लुक दे देता है. डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाला एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है. डिस्प्ले में कहीं पर भी कोई खास कमी नहीं छोड़ी गई, सिर्फ एक चीज़ के अलावा इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, वो साइड माउंटेड मिलता है. लेकिन ओवरऑल भाई डिस्प्ले बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि इसके बेजल्स भी कम है, इसमें नॉच भी नहीं है, पंच होल मिलता है. ये एक 10 बिट कलर्स वाला डिस्प्ले है और इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, 900 निट्स की ब्राइटनेस है. ओवरऑल आपको डे लाइट के अंदर भी कहीं पर ब्राइटनेस के हवाले से मसला नहीं आने वाला. जब आप इस पर मीडिया देखेंगे तो आपको वीडियो के साथ साथ ऑडियो का एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा क्योंकि इसमें JBL ने इसके स्पीकर्स को ट्यून किया है, जिसकी वजह से मैंने टेस्ट किया है भाई, ऑडियो में मुझे फर्क नजर आया है. इस फोन के अंदर भाई बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, चौथी फ्लैश लाइट दी गई है जो कैमरा की तरह लगती है. लेकिन 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसके बाद एक मैक्रो लेंस है और एक इसमें डेप्थ सेंसर दिया गया है. इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है भाई और इसकी क्वालिटी कैसी है आपको यहाँ पर फोटोज नजर आ रही होंगी. ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने इसके फ्रंट कैमरा के साथ कैप्चर की हैं और फ्रंट कैमरा में मुझे डिटेल अच्छी नजर आई, फोटोज काफी ज्यादा ब्लेंडेड हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं. ये कुछ फोटोज आप देख रहे हैं 108 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ कैप्चर की गई और यहाँ पर भी डिटेल अच्छी है. और मैंने इसके नॉर्मल AI के साथ भी फोटोज कैप्चर की, यहाँ पे आप नेचर की फोटोज देख सकते हैं. उसके बाद इस फोन के अंदर भाई पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा काम करता है, कहीं कहीं पर हल्की हल्की मुझे एज डिटेक्शन के अंदर थोड़ी मिसिंग देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट्स मिल जाते हैं. एक चीज यहां पर मैंने नोट की है, जब आप कैमरा के अंदर मल्टीपल मोड्स के अंदर स्विच करते हो यानी ब्यूटी मोड से पोर्ट्रेट मोड में जाते हो तो कभी कभी हल्का हल्का जिटर इसमें महसूस होता है. आपको बैक कैमरा के अंदर भी फ्रंट कैमरा के अंदर भी वीडियो में स्टेबिलाईजेशन मिल जाती है. इस फोन के अंदर 8 GB की रैम है, यहाँ बॉक्स पे 16 GB लिखी गई थी, लेकिन जो दूसरी 8 GB है ना वो आपकी स्टोरेज को यूज करेगा ये फोन, यानी एक्सपेंडेबल रैम है. लेकिन जनरली 8 GB की इस फोन के अंदर रैम आती है और 256 GB की स्टोरेज है जो कि एक अच्छी चीज़ है, खास तौर पर इस प्राइस रेंज के अंदर. और भाई इस फोन के अंदर हीलियो G99 का चिपसेट मिल जाता है. ये प्रोसेसर मैं ऑलरेडी Infinix 020 के अंदर यूज कर रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से. ये चिपसेट अच्छा है लेकिन समटाइम्स पाकिस्तान की गर्मी की वजह से ये थ्रॉटल करता है,
है, हीट हो जाता है, और वो तब होता है जब आप इसकी स्टोरेज को फिल कर लेते हो, काफ़ी सारी ऐप्स को रैम में रखती हो, लेकिन नॉर्मल डे टू डे यूजेज में नॉर्मल टास्क के अंदर कोई एज सच मसला नहीं देगा। पबजी में ये मोबाइल फ़ोन भाई 40 FPS दे देगा नॉर्मल बैलेंस सेटिंग के ऊपर। अगर आप HD ग्राफिक्स पर जाएंगे तो आपको 30 FPS मिलेंगे। गेम प्ले स्मूथ देता है, ज़्यादा लैग नहीं आता। जैसा कि मैंने पहले बताया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक का फीचर भी है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड डिस्प्ले होता तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन स्पीड में कोई कंप्लेन नहीं है। इस फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इसको चार्ज करने के लिए आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं। बॉक्स के अंदर ही दोनों चार्जर्स मिल जाते हैं, यानी कि वायर्ड चार्जर भी और वायरलेस चार्जर भी। ये जो वायर्ड चार्जर है, ये आपको बहुत ज़्यादा आसानी से 50 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर इस फोन को फुल चार्ज करके दे देगा। और इस फोन में बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। जब आप गेमिंग कर रहे होंगे तो आपका फोन ओवरहीट नहीं होगा, और इसमें रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप कोई सपोर्टेड प्रोडक्ट या मोबाइल फोन्स को इसके ऊपर रख के रिवर्स चार्ज कर सकते हो। और वायरलेस चार्जर 15 वाट पर काम करता है, तो उसका टाइम स्पेंड डिफरेंट होगा। तो ओवरऑल भाई, प्राइस, स्पेक्स और डिजाइन के हवाले से ये मोबाइल फोन एक बहुत अच्छी डिवाइस है, खासतौर पर इन दिनों में। लेकिन लॉन्च प्राइस से ज्यादा में किसी भी नई आने वाली या ऑलरेडी अवेलेबल डिवाइस को मत खरीदें, क्योंकि इससे जो ब्लैक माफिया है, जो लोग फोन्स को ब्लैक कर रहे हैं, उनको मजीद ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। मैंने बात करके देखी है शॉपकीपर्स के साथ, वो यही कहते हैं कि भाई हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं हमसे ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन हमें एटलीस्ट ये वाली डिवाइस दो, इसका स्टॉक प्रोवाइड करो। तो इसी चीज का फायदा उठाकर लोग महंगा बेच रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको लॉन्च प्राइस में मिलता है तो इसको जरूर बाय करो, काफी ज्यादा अच्छी डिवाइस है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड फॉलो लाजमी कीजिएगा, और मजीद इसी तरह की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप टिकटॉक इस वीडियो को देखने आए हो तो मोस्ट वेलकम भाई, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे जरूरत रहेगी। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला।